क्या चल माड़ी जी वीडियो बना लेने पहले भैन भाई देख लो अज अं बना जा रहे हैं भिंडी मसाला अभी भिंडियों धो के धुप्पे रख देंगे ताकि इन्हें जो पानी है चंगी तरह सक जाए अपनिया भिंडिया हम सुक चुकी ने ते मम्मी लगे आ इन्हों कटन आप ज्यादा बरीक नहीं कटना बस दो ही पीस कटने हैं ये दिन की करना मसाला बरीक करके चीरे दे दे के बिच भर के फिर साफ दिया भिंडिया दे मसाला कला प्याज दे जिदा मसाला आप कुट्टी का ही सारा कुछ पा के लून मिर्च चीरे दे लेने जिन्ना क बिच आना आता ज्यादा तो नहीं आता तो पर साफ दिया फिर बना स्वाद बनती है गर्मियों तो बहुत स्वाद लगती है गल अपन सारिया भिंडिया कट हो गई हूँ असी लगे हाँ भिंडिया फ्राई कर जो तुम चाहो तो इनू डीप फ्राई भी कर सकते हैं पर असी इनू ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है बस आप तेल दे विच अपनियां भिंडियां आ जिहड़ियां चंगी तरह रोस्ट करनियां आ जे तुम ये सरों का तेल लवोंगे तो वधिया है क्योंकि सरों के तेल दे विच भिंडियां का जिहड़ा स्वाद आ वो बहुत ही वधिया लगता है हूँ अपना तेल गर्म हो गया है हूँ आप ऐड करेंगे भिंडियां फ्राई करते हैं तो इन्होंने जी चीज होंगी है खत्म हो जाती है नहीं तो बहुत ही चिपचिपिया भी होंगे है ना नींबू पौधे होंगे जिसमें चिपचिपे ज्यादा मम्मी हसदे कहिंदे रोस्ट करन दे नाल थोड़ियां भी वैसे भी सुक्की सब्जी हमेशा थोड़ी रह जांदी है ना बनाओ अपनी भिंडियां रोस्ट होके बिल्कुल तैयार है हम आप इन्हों एक वक्रे बॉल के कट लवेंगे उसके बाद आप तैयार करते हैं इसकी ग्रेवी भिंडियां रोस्ट करनिया शुरू कीतियां सी बॉल भरिया सी हुण अद्धा रह गया
हूँ लगे हाँ जी असी भिंडिया वास्ते ग्रेवी तैयार कर। जिदे असी लिया 1.5 कड़छी तेल दी अपना तेल गर्म होने वाला ही है हजे। हम जी अपना तेल गर्म हो चुका है, हम ये आप ऐड करा अपने खड़वे मसाले। पहला आपां पाया जीरा, एक तेज पत्ता पावांगे, एक साबत लाल मिर्च, आप हल्का जिहा रोस्ट करांगे, ये खड़वे मसाले अपना स्वाद देंगे ने। जे आप इन्हों तेल च थोड़ा जिहा रोस्ट करिए, ऐड करते हैं बरीक कटे हुए प्याज, मीडियम फ्लेम के उत्ते मसालों तैयार करना है ता जो अपनी ग्रेवी बढ़िया बन सके। प्याज में अपना हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, हम आप ऐड करांगे अदरक ते लसन की पेस्ट। हम ये असं ऐड कर रहे हैं टमाटर से हरी मिर्च की पेस्ट। हम असं इनू 10 से 15 मिनट इस ग्रेवी में थिक करन दे लई जिहड़ा मसाला आ इहनू भुन्नांगे। तुसी मीडियम फ्लेम से भुनना है इन्हू आप उदों तक भुनना जब तक ये अपना तेल नहीं छड़ देंदा। हुण आपां प्याजां दे विच थोड़ा जिहा लून ऐड कर रहे हैं ताकि ये जल्दी भुज जाण। लून पाउण दे नाल कोई भी मसाला है जल्दी पक जाता है। तो असीं इहदे विच 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है। भिंडिया वास्ते अपना मसाला बन के बिल्कुल रेडी है। देखो इन्हें तेल भी छड़ दिता है। तो हम आप ऐड करांगे हल्दी, लाल मिर्च, घर का बनाया हुआ गर्म मसाला, आप 1-2 मिनट वास्ते भुनांगे। हुण असीं इहदे विच ऐड करन लगे हाँ 1 कौली फ्रैश दही दी। जदों तुसीं मसाले दे विच दही ऐड करना आ ते इहदे विच तुसीं जिहड़ी कड़छी आ उह हिलांदे रहना आ, नहीं तां जिहड़ा दही आ उह फुट जांदा आ। इस करके ये लगातार कड़छी हिलाते रहना है जब तक अपने मसाले में एक उबाल नहीं आ जाता। जो तो अपना मसाला रेजे पै जाता है फिर तो ठीक है, पर उदों तक आपू हिलाते रहना है। जो अपने मसाले के हल्के हल्के बबल्स बनने लग पाए
तो फिर इस तो बाद आप इन्हें 4 से 5 मिनट ढक के पका मसाला हूँ बन के बिल्कुल रेडी है। हम इसे लगे हैं ये ऐड भिंडियां करन7 मिनट मीडियम फ्लेम से पकावे देखो अपनी भिंडियां कि सोनिया बन के तैयार हो रही हैं। मसाला भी है पूरी तरह तेल छट चुके हैं। बस इसमें मीडियम फ्लेम से ढक के 5-7 मिनट बनाना है तो बिच बिच हल्का हल्का हिलाते रहना। लो जी अपनी मसाला भिंडी बन के बिल्कुल तैयार है, पूरी तरह पक चुकी है। हम असी इन्हें एक बाउल के कढ लैने। तुसी भी अपने घर विच एक बार इस तरह भिंडी मसाला बना के जरूर ट्राई करियो, खाने विच बहुत ही स्वाद होंदी है। जे तुहानू साडी अज दी वीडियो चंगी लगी तो प्लीज़ लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो ते साडे चैनल नू सबसक्राइब करियो। मिलदे हां जी किसी अगले ब्लॉग दे विच। तद तक दे लई साडे सारयां वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल।